जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने ये किचन और अलमारियाँ बनाई हैं, ये फ्लाइट में है, ये आपको मैं दिखाता हूँ, आप इसका रिव्यू करें और इसको जो है ना मेरे चैनल को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें और मूवी मेरी पूरी देखा करें, कमेंट्स भी किया करें ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि मेरा काम सही चल रहा है। शुक्रिया। ये देखें, ये किचन बनाया मैंने, ये इसका नीचे वाला हिस्से से शुरू करा रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। ये है एक फ्लाइट, फ्लाइट में किचन है। ये दरवाजे के बाद यहाँ पे ओवन आ जाएगा, इस जगह पे ओवन की जगह है ये। ओवन के बाद फिर एक ये दरवाजा आ गया इसका, मार्बल इसका व्हाइट वाला लगाया, सफेद कलर का मार्बल लगा दिया इस पे। ये बेसन आ गया, बेसन भी अच्छी क्वालिटी का लगा दिया, और नीचे बेसन के नीचे फिर दो दरवाजे आ गए इधर से भी। ये बेसन के नीचे के दो दरवाजे हैं, ये तो वैसे ही बंद होते हैं ताकि ये महक आ जाती है इसमें। फिर उसके बाद ये एक कोने का दरवाजा है, इसमें अंदर तक सामान जाने की जगह है। और उसके बाद हमारे आ गए तीन दरवाज, किचन में दराज का जो है ना काफी काम होता है, दराज जरूरी होते हैं किचन में। ये आपके कैबिनेट आ गए ऊपर के, सुपर क्लोज में बनाया है, अलमूर का सुपर क्लोज लगा हुआ। ये अभी पन्नी वगैरह ये सारी उतर जाएगी, इसकी जो पन्नी है ना ये उतर जाएगी, फिनिश हो जाएगा अभी, क्योंकि थोड़ा कलर का काम बाकी है। उसके बाद अच्छा, ये इसकी आगे जगह जो है ना, ये खिड़की, खिड़की के सामने एक बॉक्स लगा दिया ये, ताकि हमारा जो छोटा मोटा सामान है वो भी आ जाएगा और हमारी खिड़की भी पूरी की पूरी खुली हो गई। और खिड़की के बाद हमारा एक ये आ गया दरवाजा, डोर से लगा हुआ है, और ये लैपटॉप डोर आ गया ऊपर खुलने वाले। इनके बाद ये चिमनी आ गई हमारी, यहाँ पे चिमनी लग जाएगी, चिमनी का यहाँ से ये हॉल हो जाएगा और वहां से निकल जाएगा। चिमनी के बाद एक डोर लगा हुआ, ये डोर के बाद ये भीम आ जाता ऊपर, तो भीम की वजह से ये एक ओपन बॉक्स बना दिया ताकि ये भी हमारे यूज में आ जाए। अच्छा, इसके बाद फिर ऊपर बनाया इसको, ऊपर भी पूरा बना दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा सामान आ जाए। ये इसके अंदर से चिमनी का पैप भी चला जाएगा और पूरा यू शेप में ऊपर से पूरा बना दिया ताकि हमारा पूरा आ जाए। ये किचन की बैक साइड पे ये एक स्टोर भी है, स्टोर के ऊपर ये डोर के ऊपर स्टोर का डोर है, उसके ऊपर भी बना दिया ताकि ये पूरा हमारा किचन जो है ना बड़ा हो जाए। आ जाए आपको अलमारी दिखाते हैं अभी। ये आप वाइट कलर में बनी हुई है अलमारी, सुपर ग्लोज लगाया है अभी अलमूर का। ये पन्नी चढ़ी हुई पर कितने की सी, आप वाइट कलर की शीट है ये। ये हैंगर का पैर लगा हुआ है, इसमें हैंगर आ गया, हैंगर के नीचे दराज आ गया। ये फ्लैट है, फ्लैट की वजह से हाइट थोड़ी कम है, इसमें आप हमारे ये फोल्डो के कपड़े आ जाएंगे इसमें शेल्फ लगे में। वैसे हैंगर के पैर भी दिए हुए थे, अगर आपने शेल्फ वगैरह के रखना है तो एक शेल्फ हटा दें तो हैंग हो जाएगा, आप शेल्फ वगैरह हैंग हो जाती है बोर्ड वगैरह। तो इसके बाद भी दो दो दराज है कि ग्राउंड आ गया, एक इसमें भी ये ग्राउंड आ गया। इसके बाद ये छोटी सी ड्रेसिंग का भी हिस्सा दे दिया, इसमें आईना आ जाएगा ये, तो ये हमारा जो है ना उसमें आईने के बाद जो है ये कॉस्मेटिक का अपना सामान इसमें आ जाएगा सारा। ड्रेसिंग के समय लें ये ड्रेसिंग बना दी कोने में, इसी अलमारी के कोने पे ड्रेसिंग भी बना हुआ है। अच्छा, ये जगह हमारी डोर आ गई, यहाँ पे दरवाजा जो लगा दरवाजे के ऊपर भी ये आप लोगों ने अलमारी की साइडिंग दे दी पूरी करके, ज्यादा से ज्यादा सामान हमारा इसमें आ जाए। नीचे से 3 डोर है, ऊपर से 5 डोर हो जाती है, क्योंकि वो दरवाजे वाली जगह पे डोर वाली जगह पे जो है ना वो आगे दो दरवाजे उसके भी आज दूसरी अलमारी दिखाते हैं। वो मास्टर रूम था तो उसकी अलमारी बनी बनी है, तो ये छोटा रूम है तो इसके लिए छोटी अलमारी बना दी है, ये 2 पट की अलमारी है, क्षमता की है ये भी।
ये एक साइड इसकी कपड़े फोल्ड करके हम रख सकते हैं और हैंगर का बैग भी दे दिया, नीचे द्रव भी दिया हुआ है और दूसरी साइड पे पूरा जो है हैंगर का पूरा सिस्टम दिया हुआ है, आप हैंग कर सकते हैं पूरा इसमें। और इसके बाद जो है ये ऊपर से भी दो डोर दिखा देता, ये दो डोर ऊपर के हैं, ऊपर भी वैसे बड़ा सामान आता है, इसके अंदर शेल्फ वगैरह डालते नहीं है। तो ये वाइट है इधर से, और इधर से जो वोट कलर भी है इस साइड जो है ना वोट कलर है, ये अभी पन्नी वगैरह उतर जाएगी इसकी, वोट कलर में ये साइड इसकी कंट्रास्ट हो गया था, ये जो कंट्रास्ट हो आ जाएगा। और ऊपर भी दिखाते हैं हमारी ये दूसरी ये स्लाइड है, ये भी रूम छोटा है तो इसकी वजह से हम लोगों ने तो अंदर गहराई भी थोड़ी सी पिलर के साथ जगह थी तो इसको थोड़ा गहरा बना के सेट कर दिया ताकि सामान ज्यादा से ज्यादा आ जाए। ये ड्रॉल आ गया इसका, ये हैंगर आ गया, हम चल के हट जाती है रिकॉर्डिंग। इस साइड से हमारा ये पूरा हैंगर का सेटअप दिया हुआ है, हैंग कर ये स्लाइडिंग में ये होता है जैसे बेड वगैरह आ जाते हैं तो दरवाजे खुलते नहीं जा पाए होंगे, तो ये सेटिंग कर दीजिए ताकि स्लाइड में मसला नहीं होता। ऊपर तीन छोटे छोटे डोर दे दिए ताकि